तो नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं एक्सप्लोरर अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अभी आप लोगों की जो अपडेट आने लग रही है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। अभी दो तीन अपडेट आने लग रही हैं। एक अपडेट आई है अभी आप लोगों की, जस्ट ही पता चला है, लर्न का, ठीक है। लर्न जो प्लेटफॉर्म है, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसमें एडमिशन लेते हैं बच्चे यूजी में हो या पीजी में हो, तो एफिलेटेड कॉलेज में अब जो एडमिशन चलने लग रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट पर अभी 4 दिन के लिए फिर से खोला गया है। तो अभी भी अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए, यूनिवर्सिटी नहीं एफिलेटेड कॉलेजेस में, और आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रखा है यूजी कोर्सेस हों या फिर पीजी कोर्सेस हों, बीकॉम में हो बी बी ए, तो अगर आपको कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहे हैं, कॉलेज में सीट्स खाली हैं, कोर्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोगों को बताइए, एडमिशन आप लोगों को करवा देंगे। वो एक अलग बात है, लर्न का पोर्टल खुल गया है। इसके अलावा जो आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, ऑड सेमेस्टर में भाई आता है, छोटे बच्चे नहीं हो, ऑड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब जितने भी ऑड अक्षर होंगे, ऑड वाले सेमेस्टर होंगे, उनको ऑड सेमेस्टर एग्जाम बोलेंगे, ठीक है। जो इवन वाले हैं उनको इवन में, इवन में मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है भाई, इतना सब जानते हैं, ठीक है, सब विषम वाला चलता है। तो अभी विषम सेमेस्टर के हैं, मतलब ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, बंद 1, 3, 5, 7, 9 जितने भी, ठीक है, 5 ईयर तक चलता है LLB में, 9 सेमेस्टर तक होते हैं, ठीक है, 10 सेमेस्टर तक। तो ये अभी आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में, और हम लोगों ने बताया था कि मिड दिसंबर के बाद हो सकते हैं, तो हो सकता है तब तक डिले हो जाए। ये जब से बोलते हैं कराने का कि हम इतने में करा देंगे, तो भाई तब तो हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह वाला है वो सारी चीज़ें चलती हैं। एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह जब आएगा तो आप लोगों को बता देंगे वो सारी चीज़ें, कैसे फिल करना है, लाइव फिल करके बता देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं आप लोगों का जो मेजर इश्यू था जिसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो है RTI का इश्यू और स्क्रूटनी का इश्यू। RTI स्क्रूटनी में क्या डिफरेंस है, और ऑनलाइन कॉपी जो आप लोगों के पास कॉपी आती है उसमें क्या डिफरेंस है, तीनों का डिफरेंस जान लेते हैं। इस पर और भी वीडियोस बना चुका हूँ मैं, लेकिन आप डिमांड आ रही थी, नए बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है जिनका दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया, सेकेंड सेमेस्टर का, या पर फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं, ठीक है, फोर्थ वालों के तो काफ़ी पहले आ गए थे अब, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं अभी 2-3 दिन हुआ है, तो वो विद इन 7 डेज, मतलब एक भी वीक के अंदर कोई भी अपना कंट्राडिक्शन या मतलब जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप जाके डाल सकते हैं, मतलब उसमें क्लेम कर सकते हैं। 7 दिन के बाद आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्कूटनी का हो चाहे वो RTI का हो। RTI मतलब राइट टू नो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में भी है, हर जगह है, ठीक है। तो उसमें आप लोग राइट टू नो इन्फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे आप लोगों को राइट दिया जा सकता है इन्फॉर्मेशन लेने का, वहाँ से आप लोग जाके राइट ले सकते हैं कि आपकी कॉपी कैसे चेक हुई है, क्या हुआ है, ठीक है। उसके लिए खाली 10 रुपये चार्ज लेती है यूनिवर्सिटी, तो वो उसका भी ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, LU फीस से जाके आप लोग कर सकते हैं, सारे लोग समझदार हैं, और मेरी वीडियोस पड़ी हुई है पुरानी, तो आप जाके रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप कटवा के अपना ऑफलाइन फॉर्म होता है, अब ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन भाई कोविड के टाइम होता था, 2019-20 में होता था, अब नहीं होता है उसके बाद, ठीक है, जब से कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद पोर्टल वो वेबसाइट ही बंद हो गई है, ठीक है। तो अब वहाँ नहीं होता है, ना वहाँ ऑप्शन आता है अब, ठीक है, वेबसाइट का भी नाम याद नहीं कौन सी वाली थी, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहता है, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्म मिल जाएगा, चाहे पांडे की दुकान पे ले लो, पांडे की दुकान जो मतलब रेड बिल्डिंग के पास में है, रेड बिल्डिंग से जस्ट बगल में है, जहाँ पर जो कैंटीन भी खुल गई है अब नई उन भैया की, तो वहाँ से पांडे की दुकान पे से ले लो, या फिर नहीं तो गेट नंबर 1 के पास जो दुकान है वहाँ से आप जाके ले सकते हो। 10 रुपये का फॉर्म मिलेगा, RTI या स्कूटनी जो भी आप लोगों को डलवाना है, बस उसको फिल करना है, GMAIL ID वगैरह उसमें लगना। यूनिवर्सिटी की तरफ से बोलते हैं कि 1 वीक से 15 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का 1 महीने भी हो जाता है और देते नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप RTI वगैरह या जो भी आप डाल रहे हैं, स्कूटनी आप डाल रहे हैं, और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये लोग कॉपी रीचेक नहीं करवाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन हर बार निकाल देते हैं पब्लिकेशन में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रिक मीडिया में, कि हम ये कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये कर रहे हैं, बट जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। आप किसी से भी बच्चे से पूछ लेना, ACU बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है, रीचेकिंग ये लोग नहीं करवाते हैं, बस बच्चे को दिखा देते हैं पलट के, नंबर ऐड करवा देते हैं, इतने नंबर हो रहे हैं तुम्हारे, अगर ऐड करने में इधर उधर हो रहा है तब हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। ईमेल पर बस भेज देते हैं कॉपी की, आपकी देखिए आपका ये चेक हुआ है, बस देख लो। स्कूटनी वाले जो मैं बता रहा हूँ, ऐड करके बस दिखा देते हैं, रीचेक वाला कोई भी प्रोसीजर ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो भाई कोर्ट में कौन ही जाएगा चक्कर लगाने, अगर कोर्ट में डाल दी जाए तो भाई इन लोगों के भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सीन है, और ये सीन काफ़ी टाइम से चल रहा है भाई अब, लेकिन आप लोग इवन सेमेस्टर का भी कॉपी देख सकते हैं, जो गोला वाली कॉपी होती है OMR वाली, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ये इन लोगों ने सही प्रोसेस किया है, और इसमें इसको अप्रिसिएट करता हूँ, काफ़ी सही चीज़ है ये, ठीक है।
लेकिन आरटीआई वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं उनका अगर अभी कोई भी दिक्कत हो, उनको कम मार्क्स आए हैं या बैक लगा है 1 नंबर से 2 नंबर से या जो भी है, वो आप लोग जाके ज़रूर से सॉल्व करवा लीजिए। जिन लोगों का बैक पेपर था ठीक है, उन लोगों के में जैसे बैक पेपर में क्या होता है, अगर उतने ही मार्क्स आते आप लोगों के जैसे आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया है ठीक है, पहले एग्ज़ाम में आप लोगों के जो मार्क्स थे वो आप लोगों के ज़्यादा थे, सेकंड बार में दिया तो उससे कम थे, तो जो पहले वाले मार्क्स हैं वही आप लोगों के दिखाएगा बैक वाले, ठीक है, अपडेट नहीं करते हैं वो लोग। तो एक एरर भी होता है काफ़ी बच्चों के साथ, पिछली बार 200 कुछ बच्चे ऐड हुए थे ग्रुप में, अभी वो ग्रुप चल रहा है तो वहाँ पर जाके इन लोगों ने सॉल्यूशन भी करवाया था, जो कुछ यूनियन स्टूडेंट यूनियन एक्ट में अपनी यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने करवाया था, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं और अपना करवा सकते हैं, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। और यही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, तो आप आरटीआई वाला जाके करवा लीजिए, अपने रिजल्ट की फ़ोटो कापी और जो फॉर्म मैंने बताया वो लेके जाइए आप लोगों का वहाँ पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सबमिट कर दीजिए, गेट नंबर 1 के पास है, ठीक है, बस इतना सा आप लोगों को करना है। सेमेस्टर एग्ज़ाम आप लोगों के 1 दिसंबर में होने वाले हैं, तो टाइम कम है क्योंकि दिवाली जाएगी तो 15 तारीख तक आप लोगों की छुट्टी रहेगी, 9 से 15 तक, ठीक है, तो 15 दिन समझ लो ऐसे ही चलेगा, इसके बाद 15 दिन आप लोगों के पास बच रहे हैं, ठीक है, और ये आप लोगों के पास अक्टूबर है, इसके भी 20 दिन आप लोगों के पास बच रहे हैं, समझ लो 30 से 40 दिन समझ लो, हाईएस्ट से ज़्यादा दिन आप लोगों के पास नहीं बच रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी अच्छे से कर लेना। तैयारी कहाँ से करनी है, गूगल पे जाके लिख देना है एलयू वालों का टैलेंट, ठीक है, वेबसाइट आ जाएगी एलयू वालों का टैलेंट .graphy.com, ठीक है, पहले नंबर पर आ जाएगी, यूट्यूब चैनल का भी आएगा, इसका भी आएगा, तो वहीं क्लिक कर लेना, सारे जितने भी कोर्सेस हम लोगों के चल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनवा दूंगा समझाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वहाँ पे, ठीक है, तो होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट, इंटर्नशिप अपडेट, इंटर्नशिप की भी मैं अपडेट देने वाला हूँ, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, और टेक केयर, बाय बाय।